Extending a very warm welcome to you all. My name is Sahibjeet Kaur and I will be your host for this fine day. I'm delighted to welcome you all. Thank you for taking our time and being here with us. Aaj hum launch karne ja rahe hain Sony Sab ka naya show, much anticipated Aangan Apno ka. To bhi taali ke saath shuruaat kar sakte hain. आज की इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कुछ सवालों से करना चाहूंगी। क्यों शादी के बाद एक लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ उसका ससुराल रहे? क्यों उसे गिल्टी फील करवाया जाता है अगर वो अपने मायके की जिम्मेदारी लेना चाहती है? क्या मायके का रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है शादी के बाद? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोज रहा है सोनी सब का नया शो आंगन अपनों का। आंगन अपनों का एक हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा है जो कि मिलवाएगा आपको दिल्ली के शर्मा परिवार से। शर्मा परिवार में है पिताजी और उनकी तीन प्यारी बेटियां। तीन बेटियों में से सबसे छोटी बेटी पल्लवी का ये मानना है कि शादी के बाद बेटियों की प्रायोरिटीज नहीं बदलनी चाहिए और उनकी प्रायोरिटी है उनके पिता। तो आपको क्या लगता है, पल्लवी के व्यूज, पल्लवी की थॉट्स सही है या गलत या सिर्फ अलग? तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू इस अनोखी कहानी के अनोखे पर्सपेक्टिव को समझने के लिए इस शो की टैलेंटेड स्टार कास्ट का करते हैं एक वार्म वेलकम। लेडीज एंड जेंटलमैन जॉइनिंग अस ऑन द स्टेज प्लेइंग द रोल ऑफ जयदेव, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली महेश ठाकुर। परिवार की सबसे छोटी बेटी, जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम पल्लवी, प्लेड बाय आयुषी खुराना। परिवार की मंझली बेटी तन्वी, प्लेड बाय द गॉर्जियस आदिति राठौर। और परिवार की सबसे बड़ी बेटी दीपिका, प्लेड बाय मीठा शेट्टी। वेल, आई बिलीव आई स्पीक फॉर एवरीवन व्हेन आई से दैट वी आर डिलाइटेड टू हैव यू हियर विद अस। Please be kindly seated. Thank you so very much for joining us here today. You all look lovely. और जैसा कि हमने स्टोरी को दिखाया जा रहा है, तो मैं सबसे पहला सवाल महेश जी आपसे करना चाहूंगी। आंगन अपनों का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक अलग पर्सपेक्टिव पर फोकस किया गया है। आज तक हम लड़की को एक बहू के रूप में देखते आए हैं, पर यहाँ पर लड़की को एक बेटी के रूप में भी दिखाया जा रहा है। What are your thoughts about it? Hello, good afternoon everybody. बहुत अच्छा लगा यहाँ दिल्ली में आके हुए और आप लोग सबसे मुलाकात, मतलब it's a good feeling to be here in Delhi. Coming back to your question, Jaydev is a character who जेडी इज अ कैरेक्टर हु लव्स हिज डॉटर्स, एज यू नो। उनकी पत्नी आस्था गुजर चुकी है और इन्होंने तीन बेटियों को बचपन से ही पाला है। इनका ये मानना था कि ही डिडंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज जो व्हाट ही वांटेड टू गिव हिज डॉटर्स, ही डिडंट थिंक अ स्टेप मदर वुड बी एबल टू गिव इट, है ना। तो जेडी वांट्स द बेस्ट फॉर हिज डॉटर्स एंड यू नो बींग अ मैन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, दे नो दैट हर बेटी का जब हमेशा कहते हैं बेटी पराई होती है, यू नो, हमेशा जब कहते हैं बेटी पराई होती है, तो उनका ये भी मानना है कि मुझे बेटियों को पाल पोस कर शादी करवानी है, भेजना है। यस, टू सेंड देम टू देयर रियल हाउस, यू नो, कि जहाँ पे वो अपना अपना खुद का परिवार शुरू करे एंड दे कैन फाइंड हैप्पीनेस इन दैट। तो ही इज अ वेरी सेल्फलेस मैन, विच आई थिंक ऑल पेरेंट्स आर, यू नो, हूएवर हैव देयर डॉटर्स विद देम, दे आर वेरी सेल्फलेस, दे ऑलवेज वांट देयर डॉटर्स टू get married and live a happy life. तो उनका भी यही मानना है and he does manage to do that with the first two daughters. और अभी तीसरी बेटी का turn आता है और हमारी कहानी इस point से शुरू होती है. All right. Well, that's amazing. Yeah. I'd like to move on to you, Ayushi. Pallavi has a very different perspective on marriage. I mean, हम usually ऐसे perspective वाली लड़कियों को television पर नहीं देखते हैं। एक अनोखे तरीके से ये कैरेक्टर प्रेजेंट किया जा रहा है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पल्लवी ने बचपन से अपने पापा को देखा है कि उन्होंने कितना
स्ट्रगल किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है अपनी तीनों बेटियों के लिए, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने छोड़ी है. तो बीइंग अ यंगेस्ट डॉटर, उसे ऐसा लगता है कि जब दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई तो वो चाह के भी पापा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना पाते, बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है. राइट. और पापा पल्लवी के लिए हमेशा से फर्स्ट थे, है और रहेंगे, और वो नहीं चाहती कि वो अकेले हो जाए. दैट्स द रीज़न वाई शी डजंट वॉन्ट टू गेट मैरिड. और एक क्वेश्चन उसने रेज किया था कि वाई कांट गर्ल बी अ डॉटर एंड अ वाइफ. राइट. So that's her perspective, and I think I totally agree with her perspective. Well, that's lovely, lovely. Moving on to you, Aditi ji. आप इस शो में मछली बेटी यानी कि मिडिल डॉटर का किरदार निभा रही हैं, तो कैसा है इस किरदार को निभाने का सफर? So hello everyone. Hello. Okay, sorry. तो तन्वी का कैरेक्टर पल्लवी के बिल्कुल ही ऑपोजिट है. तन्वी ये इस चीज़ में बिलीव करती है कि शादी के बाद एक लड़की का हाउसवाइफ होना, घर को संभालना और हस्बैंड का बाहर जाकर काम करना और अर्न करना फैमिली के लिए, ये सही है. और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पर तन्वी को ये चूज़ करना पड़ता है कि वो अपने पापा के साथ, सिस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करे या फिर अपने ससुराल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए. सो वो ससुराल को ही अपनी प्रायोरिटी रखती है. बट तन्वी की इस थॉट प्रोसेस से आप कितना एग्री करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि तन्वी के लिए या किसी के लिए भी जब कोई भी कुछ भी करता है तो वो उसके लिए वो सही होता है. मे बी उसको बाद में रियलाइज़ होगा कि ये सही नहीं है, लेकिन उस मोमेंट पे, जैसे कि यहाँ पर तन्वी के लिए ये सही है जो वो कर रही है, उसे लगता है कि उसे अपने परिवार के लिए, अपने ससुराल के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, उनके साथ हर वक्त प्रेजेंट होना है. She does the best what she finds in the situation. Right. Right. Perfect. Thank you. Moving to you, Neetha ji. Yeah, Deepika कहना चाहूँगी, आप परिवार की सबसे बड़ी बेटी का रोल निभा रही हैं, और दिस गोज विदाउट सेइंग कि हमारे यहाँ बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो शो पर आपके कैरेक्टर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या शेयर करना चाहेंगी? थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन. हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं दीपिका घर की बड़ी बेटी का किरदार निभा रही हूँ. अब हर घर में जो बड़ी बेटी होती है वो इनडायरेक्टली ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल बन जाती है. वो देखती है अपने मॉम डैड को कि हमारा ध्यान रख रहे, तो बड़ी वाली जो बेटी होती है वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल बनती है. उसे लगता है कि अब मेरी छोटी, अभी यहाँ दीपिका की दो बहनें हैं, तो उन्हें लगता है सिंस मॉम भी नहीं है, बहुत अर्ली एज में मॉम चली गई, तो उसे रिस्पॉन्सिबल लगता है कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इनका ध्यान रखने के लिए, डैडी की हेल्प कर रही है, इन लोग का ध्यान रख लिया है. एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, दीपिका से लोग रिलेट करेंगे, मैं खुद रिलेट करती हूँ, क्योंकि हम चार भाई बहन हैं घर में, मैं सेकेंड डॉटर हूँ, मेरे बाद मेरे भाई और बहन है, तो मैं मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दे आर लाइक किड्स टू मी. राइट. सो इट, आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट टू इट, यू नो. तो दीपिका घर के हर घर में जो पहली बेटी या बेटा होता है वो ऑटोमेटिकली उनको लगता है कि हम, उन्हें सिखाता कोई नहीं, आई थिंक वो नेचुरली उन्हें लगता है कि हम पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो या, तो आपने अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से इस रोल को अप्रोच किया, आई गेस? आई मीन, या लकीली आई कैन रिलेट, बिकॉज यू नो यहाँ बहनें हैं घर में, बहन और भाई है. सो या, आई मीन एक एड ऑन हो जाता है, यू नो. मैं खुद अगर रिलेट कर पा रही हूँ तो आई एम श्योर हर एक परिवार में कोई ना कोई बहन या भाई इसको रिलेट कर पाएगा. यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेस नहीं होता, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, जो हमें खुद लगता है, किसी ने दिया भी नहीं है, बट हमें लगता है इट्स आर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स देयर, राइट. मूविंग टू यू महेश जी, यू आर अ फादर इन रियल लाइफ एज वेल. तो असली जिंदगी में और इस धारावाहिक में जो आप किरदार निभा रहे हैं, तो किस तरह से आपने अप्रोच किया अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को इस रोल के लिए? तो सबसे पहली बात कि मुझे दो बेटे हैं, आई गॉट टू सन्स, ओके, बेटियां नहीं है.
तो उन लोग की जो एनर्जी होती है बहुत ही अलग होती है एज कम्पेयर टू यू नो हैविंग डॉटर्स. मेरे परिवार में लोग हैं, मतलब माय एक्सटेंडेड फैमिली जहाँ पे दे हैव डॉटर्स एंड ऑल दैट, तो आई हैव सीन उन लोग का जो डायनामिक्स होता है घर में बहुत ही अलग होता है. वेयर एज वेन यू हैव बॉयज इन द हाउस द डायनामिक्स इज डिफरेंट. मेरे बॉयज जो है क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दे गो टू द जिम एंड यू नो वो सारी जो चीज़ें हैं. वेयर एज वेन इट्स विद द गर्ल्स इट्स वेरी डिफरेंट. बट बींग अवेयर, यू नो वेन यू आर एन एक्टर यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ पीपल अराउंड. सो जब जो मैंने नोटिस किया है कि गर्ल्स टेंड टू मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यू नो कहते हैं कि इफ यू सी अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल एंड यू सी अ 14 ईयर ओल्ड बॉय, 14 साल का जो लड़का है ही विल बी प्लेइंग विद 6 ईयर ओल्ड एंड 8 ईयर ओल्ड बॉयज, व्हेयर द 14 ईयर ओल्ड गर्ल विल बी इंटरैक्टिंग विद ओल्डर चिल्ड्रन, यू नो. तो इट्स अ फैक्ट. सो जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग अ फादर टू थ्री डॉटर्स. So definitely they're not going to be the, you know, the frivolous type. They will be a little intelligent over there in the head. So haan, hai, teenon beti ka jo kirdaar hai, they've been intelligent. They've been very kind. As actors, they're fantastic. Matlab, jo bhi maine kaam kiya in logon ke saath, I mean, there's no two ways. They're fantastic actors, excellent human beings. So to relate to them has been very easy. And that, I think, helps the overall structure of, you know, being able to relate as a father. To them, you know, जो रोल अपने अंदर बिठाना है, becomes very easy when you have good actors with you, you know. So observing and good performers, we are there. Well, that's lovely. Aditi, I'll like to ask you the next question. इस रोल का सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या रहा है? तो तन्वी जो है वो बहुत ही डिवोटेड हाउसवाइफ है, मदर है और बहू है. उसका पूरा दिन अपने घर को संभालने में निकलता है, अपने फैमिली का ध्यान रखने में निकलता है. सो लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो अपने मन में दिल में रख लेती है. आई थिंक जो अनस्पोकन इमोशंस हैं, बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कहना, सो आई थिंक वो थोड़ा चैलेंजिंग है. चैलेंजिंग था आपके लिए. ऑलराइट आयुषी या पल्लवी, कहना चाहूँगी आपको, आप परिवार की छोटी बेटी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आ रही हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हैं. इस रोल को निभाते हुए आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी पहली बार, इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी और काफ़ी हार्ट वार्मिंग, एज यू सेड, फादर डॉटर की स्टोरी है. काफ़ी मैंने रिलेट किया था बिकॉज मेरी भी मॉम है जो मोस्टली अकेली रहती है बिकॉज पापा ना हमेशा बाहर रहते हैं काम के लिए. तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी अच्छे से, मैंने समझा इसे, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मतलब जब मेरी शादी हो जाएगी तो मम्मा इज़ गोना बी ऑल अलोन, राइट. मैं कितना भी चाहूँ मम्मा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाने का, आई थिंक वो नहीं हो पाता बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. तो वो एक चीज़ है जो मैं लोगों को शो करना चाहती, लाइक मैं समझाना चाहती हूँ. आई डोंट नो समझेंगे नहीं सोसाइटी पल्लवी का पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे, बिकॉज आई बिलीव एज अ वुमन आई कैन से दिस एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू विल अग्री कि एक बेटी जब शादी करके जाने वाली होती है, चली जाती है, तो ये क्वेश्चंस एक ना एक बार उसके दिल में जरूर आते हैं. हर किसी के दिल में आता है कि यू नो एक लड़की की ही क्यों विदाई हो रही है. सो वही एक चीज है कि एक चैलेंज है कि जो पल्लवी का पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी समझे और उसे एक्सेप्ट करे और कैसा होने वाला है, कैसी होने वाली है उसकी जर्नी, ऐसे मतलब कैसे वो अपने पापा का ध्यान रखेगी और आगे सबको समझा पाएगी कि मैं पापा के साथ ही रहना चाहती हूँ और शादी नहीं करना चाहती हूँ. सो दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट. यानी कि हमें ये भी देखना है कि पल्लवी शादी करती है कि नहीं करती है. हाँ, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस मी कम्प्लीटली. वो हमने प्रोमो में देख लिया, जयदेव जी काफी कंसिडरेट है अपनी बेटी की फीलिंग्स के लिए, लेकिन काफी पक्के हैं अपने इरादे के भी. दीपिका, इस शो का हिस्सा है आप, एक इंपॉर्टेंट किरदार निभा रही हैं, तो उस किरदार के पर्सपेक्टिव से आप क्या चाहेंगी कि ऑडियंस क्या समझे? व्हाट वुड यू वांट द पीपल, द व्यूअर्स टू टेक अवे फ्रॉम द शो? Honestly, see, not just Deepika, I think every character na audience
जो दर्शक है वो कनेक्ट कर पाएंगे, स्पेशली दीपिका. आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि दीपिका एक एयर होस्टेस है, करियर ओरिएंटेड है. ओके, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल थी बचपन से, 12 साल की उम्र से मॉम नहीं थी तो शी बिकेम रिस्पॉन्सिबल, अपने बहनों की तरफ प्रोटेक्टिव है, डैड को हेल्प करती थी. और जैसे ही वो बड़ी हो गई, अपने करियर में फोकस करने लगी, उसे अच्छा एक लड़का मिल गया, शादी कर ली, सिंपल सी शादी कर ली ताकि डैड का एक शादी वाला स्ट्रेस है वो निकल जाए. तो दीपिका एक ऐसी लड़की है जो हर करियर ओरिएंटेड वुमेन कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो करियर भी देख रही है, अपनी फैमिली को भी देख रही है, अपने हस्बैंड को भी देख रही है. यू नो, एक करियर ओरिएंटेड वुमेन होना कोई गलत बात नहीं है. तो ये उस करियर ओरिएंटेड वुमेन की पर्सपेक्टिव है जो फोकस है, थोड़ी डोमिनेटिंग है, स्ट्रिक्ट है अपनी बहनों की तरफ, लेकिन दिल की बुरी है, दिल की अच्छी है. जैसे कि घर का पहला बेटी या बेटा होता है वो कैसे थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना थोड़े बच्चों के लिए, बट दिल के बुरे नहीं होते. तो वैसे दीपिका का ये कैरेक्टर है कि शी इज अ करियर ओरिएंटेड वुमेन और वुमेन कैन रिलेट. तो मेरे ख्याल से अगर समझा जाए तो तीनों बेटियां अपने लिखे हुए कैरेक्टर के अकॉर्डिंग और अपनी समझ और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अपने तरीके से अपने पापा को सपोर्ट कर रही हैं. यस यस यस. तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या चेंज आ सकता है सोसाइटी में? सी, मुझे ऐसा लगता है कि हम बैलेंस कर सकते हैं ना, यू कैन बी अ डॉटर एंड यू कैन बी अ वाइफ. सो वही एक पल्लवी का एक मोटिव है, वही वो समझाना चाहती है अपने पापा को भी कि सो बेसिकली अभी द थिंग इज कि माय फादर इज एट द एज ऑफ गेटिंग रिटायर्ड. सो अभी तो वो काम कर रहे थे तो वो बिजी थे तो उतना लोनली फील नहीं करते थे, बट जब वो रिटायर हो जाएंगे तो ही इज गोइंग टू बी ऑल अलोन. और रिटायर होने के बाद उनका एक ही मोटिव है कि पल्लवी की भी शादी कर दो, यू नो, फ्री हो जाओ, बिकॉज होता है ना घर वालों का टाइम. तो वही एक चीज, अभी पापा भी पल्लवी के पीछे, बट पल्लवी नहीं करना चाहती, उसको शादी से प्रॉब्लम नहीं है. यू नो, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, बट उसको बस उसका यही एक चीज है कि she doesn't want to leave her father alone, she wants to take care of her father. और जब उसे ऐसा लगेगा कि हाँ आई थिंक बैलेंस कर सकते हैं, तो मे बी यू डोंट नो फ्यूचर में क्या होता है, बट राइट नाउ हर परस्पेक्टिव इज कि मुझे पापा के साथ रहना है, पापा ने इतना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, हम तीनों बेटियों के लिए अपनी जॉब सेक्रीफाइस की है, अपना सब कुछ, अपनी अपॉर्चुनिटीज जो इतनी उनकी लाइफ में आई थी सब सेक्रीफाइस की है. तो वो अपने पापा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, दैट्स हर पॉइंट. लेकिन मैम ऐसे भी सीरियल देखने को मिले हैं कि बच्चे अपने पापा की या मम्मी के चक्कर में रहते हैं, इस मतलब कि वो अकेले ना रह जाएं, तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा है या जो आप अडॉप्ट करें ये कॉन्सेप्ट अच्छा है? सी, जब हम पापा जब हमारी मम्मा चली गई थी तब हम लोग बहुत छोटे थे, तो उस टाइम पे तो हम ये उनसे कह नहीं सकते थे कि आप शादी कर लो, और उन्होंने खुद से नहीं की, बिकॉज उनकी तीनों बेटियां उनकी प्रायोरिटी रही है हमेशा से. उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, नेवी की, वो घर आए, बेटियों को संभाला, अच्छे से बड़ा किया, सब कुछ किया उनके लिए. तो उन्होंने कभी ये थॉट भी नहीं लाया अपने दिमाग में कि मैं शादी कर देता हूँ. तो आई थिंक इसीलिए पल्लवी भी अपने पापा को उतना ही प्यार करती है, उतना ही सपोर्ट करना चाहती है, उतना ही उनका ध्यान रखना चाहती है, और इसीलिए उसको भी उसके माइंड में अभी ये थॉट नहीं है कि मुझे शादी करनी है. माई फादर इज गेटिंग रिटायर्ड, सो आई वॉन्ट टू बी विथ हिम एंड आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ हिम. पॉइंट पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि जयदेव ने शादी इसलिए नहीं की बिकॉज यू नो ही कुड नॉट गेट मैरिड. ही नो दैट अगर मैं शादी करूंगा तो उन्हें भी मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ती है वाइफ को. मतलब ऐसा नहीं कि मैं आई एम गेटिंग अ सर्वेंट इन द हाउस टू टेक केयर ऑफ थ्री चिल्ड्रेन, बिकॉज अगर बेटी की परवरिश की बात है तो ही वुड डू अ मच बेटर जॉब देन अ स्टेप मदर. एंड इफ आई हैव टू गेट मैरिड I will not get divert my attention from my kids to the wife. So he is so samajh ke usne mana kiya shaadi. So character is very, very suljha hua and a very forward thinking character. You know, so that's the beauty of the character. Just wanted to put this point across. I think mere bahut sare friends hai jo Delhi se hai. तो जब भी ऐसा कोई हम सीन करते हैं ना जहाँ पे हमें थोड़ा भी डैडी वाला टच दे रहा है, तो मैं याद करती हूँ कि वो लोग होते तो वो कैसे करते, क्या बोलते. जैसे एक सीन था जहाँ पे मेरे को
सीपी का फुल फॉर्म, वो कन्नौट प्लेस बोलना था, बट मैंने कहा कोई भी डेलीगेट नहीं बोलेगा, वो सीपी ही बोलेगा. सो वो सोच के मैंने भी उसे सीपी ही बोला कि इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली तो देन दिल्ली की तरह ही हम वो सीन भी करें. राइट. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस और मजा आ रहा है करने में बहुत.